हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग के सेमी ऑटोमेटिक 7.5 kg वाशिंग मशीन के बारे में। यहाँ दोस्तों, मैंने ये वाशिंग मशीन अपने घर के लिए मंगाया हूँ, पर कार्टून से मैं इसको अलग कर चुका हूँ। अब इसको अलग करने के बाद मुझे यहाँ पर वाशिंग मशीन दिख जा रहा है, जो जिस कलर में मैंने ऑर्डर किया था ये इसी कलर में आया है। फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ और फ्लिपकार्ट को ये ऑर्डर मैंने 25 अगस्त को प्लेस किया था और आज 31 अगस्त को ये हमारे डिलीवर कर दिया गया है। तो डिलीवरी टाइम भी ये बहुत ही कम लेते हैं और ये घर में पहुंचा के जाता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट में अभी 10,499 दिखा रहा है, लेकिन मुझे कार्ड ऑफर मिला था तो 10% का ऑफ था, तो मुझे 9,500 में ये वाशिंग मशीन टोटल इसका कॉस्ट पड़ा है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसका क्या क्या फीचर है। इसमें ये प्लास्टिक रैपर है, इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 टाइप का इसमें कंट्रोलर दिया हुआ, 2 वाश टाइमर है, वाश कंट्रोलर और 2 ड्रेनर है। यहाँ पे वाश के लिए अब सबसे पहले जो यहाँ पे आप वाश टाइम सेट कर सकते हैं, कितना आपको वाश टाइम सेट करना है, अब वाश टाइम सेट कर दीजिए। उसके बाद आप वाश टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंटल कपड़ा, नॉर्मल या हैवी। अगर आपका जीन्स वगैरह सो रहे हैं तो इसको हैवी में सेट करके आप कपड़ा धो सकते हैं, या फिर जेंटल और नॉर्मल प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद कपड़ा धुल जाने के बाद आपको, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो आपको आपको वाश से इसको ड्रेन में करना पड़ेगा। जैसे आप ड्रेन में करोगे तो आपका जो भी पानी वाशिंग मशीन में रहेगा ये आपका निकल जाएगा। और यहाँ पर स्पिन टाइमर, इसका मतलब आप यहाँ पर कपड़ा जो सुखाओगे, कपड़ा सुखाने के लिए आप कितने टाइम में कपड़ा को सुखाना चाहते हो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जो दिया गया ये है वाटर सिलेक्टर। अगर आपका जो पानी है, अगर आप इनलेट पाइप से भरते हो तो यहाँ पे ये जो है इधर ही सेट रहेगा, अगर आप इधर सेट करते हो तो आपका पानी जो है वो रुक जाएगा। मतलब कपड़ा धोने के टाइम में आपको इधर सेट करना है और जब पानी भरे हुए तो आपको यहाँ सेट करके रखना है। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ही एरिया मिला है, इसमें आप बहुत सारे कपड़े डाल सकते हो। और इसके अंदर में ये यूजर मैनुअल दिया हुआ है, ये मैंने को तो मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। और ये जो मिला है ये पैकेट में, ये मुझे 3 सामान यहाँ पे दिख रहा है। इसमें एक आउटलेट पाइप है, ये पतला वाला इनलेट पाइप है। अब देखिए तीसरा जो प्रोडक्ट मिला है ये है, इसका क्या काम है तो इसका मैं काम आपको बता देता हूँ। ये स्किन टैब में, ये ऊपर में टॉप में लगाना है जब आप कपड़े को सुखाओगे। तो कपड़े को सुखाने के लिए देखिए यहाँ पर स्किन टैब ऐसे खोलोगे तो कपड़े डाल देने के बाद, इसमें सारे कपड़े डालने के बाद आपको इस तरह से अपने इसको यहाँ फिट कर देना है। फिट करने के बाद इसको ऐसे लगा देना है और उसके बाद ही आपको स्पिन का जो है आपको यहाँ पे स्विच को ऑन करना है। वो वहाँ पे प्रोटेक्टर के लिए दिया गया है ताकि किसी भी तरह का आपको वो हार्म ना पहुँचाए, कपड़ा मतलब घिस के आपको ये जो सरफेस ऊपर का ये ख़राब ना हो जाए, इसीलिए एक रबर का पैड दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका जो कनेक्शन है मैं कनेक्शन कर देता हूँ, और कनेक्शन करने के बाद मैं आपको डेमो के रूप में एक कपड़ा धो के आपको दिखा दूंगा। देखिए ये इनलेट और आउटलेट पाइप को अलग कर लेते हैं, इसके खींचने से ये दोनों पाइप अलग हो जाएगा। ये हमारा इनलेट पाइप यहाँ पे ये नल से लगेगा और आउटलेट पाइप को इस साइड से कनेक्ट करना है, इस साइड से कनेक्ट करना है, ना कि इस साइड से। इस साइड से कनेक्ट नहीं करना, ये आउटलेट में रहेगा और हमें जो है ये हमारे वॉशिंग मशीन में इस साइड से लगाना है। इसको ऐसे करके पंच करना है, दबाना, पहले दबाने के बाद फ्री हो जाएगा, उसके बाद ही हमें ये अपनी वॉशिंग मशीन में फिट करना है। तो चलिए मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसको ऐसे करके पंच करना है, पहले दबाना है, फिर जैसे फ्री हो जाएगा उसके बाद आपको बॉडी की तरफ प्रेस करना है, बॉडी की तरफ फुल प्रेस करना है। सिंपली इसको ऐसे करके छोड़ देना तो ये लॉक हो जाएगा, बस ये लॉक हो गया। अब ये आउटलेट पाइप हमारा, ये आउटलेट पाइप बन जाएगा। तो हम इनलेट पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। ये साइड जो है हमारा वॉशिंग मशीन के साथ कनेक्ट होगा और ये साइड हमारा नल के साथ कनेक्ट होगा। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट हो गया। और बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो ये टेक्निकली इसमें 2 मोटर लगा हुआ है, एक तो जो धुलाई करता है वॉशिंग के लिए, वॉशिंग टेप के लिए अलग मोटर लगा हुआ है, और जो आपका कपड़ा सुखाता है उसके लिए अलग मोटर लगा हुआ है। और दोनों ही मोटर का अलग अलग रेटिंग है। आप यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हो, जैसे पीछे आपने तब तो पीछे में आपको इसका लेबल मिल जाएगा। लेबल में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
कि जो वाश मोटर है ये 460 वाट का है, मतलब अगर आप 1 घंटे आपका वॉशिंग मशीन चलता है तो आपका 0.46 किलोवाट ही यहाँ पे बिजली खपत होगा, और वही सुखाने वाला 160 वाट का है तो 1 घंटे चलाने पे ये 0.416 किलोवाट ही आपका बिजली खपत करेगा। तो मेरे नज़र में ये काफ़ी इलेक्ट्रिकल सेविंग है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिकल खपत नहीं होता है, ये कम आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजुम्पशन से ही आपका यहाँ पर ये ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इसका मोटर रेटिंग से ही आपको इलेक्ट्रिकल कंजुम्पशन के बारे में मालूम चल जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली ऑटोमेटिक से सेमी ऑटोमेटिक का जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है वो लेस ही होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन मतलब इलेक्ट्रिकल बिल बचाना चाहते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ पानी यहाँ पे डाल चुका हूँ, और जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, आप सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना आवश्यकता है उस हिसाब से आप डिटर्जेंट डाल दें। तो मैं भी जितना डिटर्जेंट डालने के बाद आपको एक बार आपको यहाँ पे वॉश टाइमर चला देना है खाली में। क्या हुआ थोड़ा सा एक बार आपका रोटेट हो जाने के बाद आपका ये जो डिटर्जेंट है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको आपका कपड़ा यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए मैं अब इसको पूरा बंद करके इसको इंटर कर देता हूँ अपने कपड़े को। यहाँ मैं टाइमर को 9 पे सेट कर देता हूँ और इसे ढक्कन में यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा साउंड कर रहा है, ये साउंड ये करता ही है क्योंकि मोटर जो चल रहा है 460 वाट का, ये थोड़ा सा साउंड इसमें होता ही है। इसके लिए आप टाइम का वेट करें और जब धुलाई हो जाए तो आप इसको सुखाने वाला टब में डाल दीजिए। 10 मिनट हो गया है और हमारा बजर बजना शुरू हो गया है, जब तक आप इसको आके मैनुअली बंद नहीं करोगे तब तक ये बजर बजते ही रहेगा। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए बंद कर दिया, मैं 0 पे ले आया तो बजर हमारा बजना बंद हो गया, मतलब ये हमारा जो धुलाई था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे वॉश टेब से ला के इसको स्पिन टेब में डाल देता हूँ और देखता हूँ ये कैसा कपड़ा को सुखाता है। तो इस वॉशिंग मशीन का सबसे खासियत मुझे क्या लगा कि ये इतना कम वाट लेता है कि ये इन्वर्टर पर भी ये आराम से चल जाता है। देखिए अभी लाइट कटा हुआ है, ठीक है अभी लाइट नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये वॉशिंग मशीन आराम से चल रहा है। हमारा इन्वर्टर भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा है क्योंकि इन्वर्टर जो है हमारा ये 900 वाट का इन्वर्टर है, और ये वॉशिंग मशीन ये जो वाट ले रहा है मोटर 460 वाट का मोटर लेता है और यहाँ पे सुखाने वाला 160 वाट का लेता है। तो अगर आप ये वॉशिंग मशीन परचेस करते हो तो अगर आपका कभी कभी बिजली चला जाता है मान लीजिए और थोड़ा सा टाइम बचा है आपको जल्दबाजी में कपड़ा धोना है तो आप इसको वॉशिंग मशीन को इन्वर्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।